परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय चौबीसों तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव आचार्य भगवान तपसी जी मार साहब, माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। यहाँ पर विराजित महासाध्वी पूज्य श्री किरण प्रभा जी मार साहब के चरणों में भी हमारी वंदनाएँ अर्पित होए। अन्य सहयोगी सतीमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज 13वें पाप का नाम है अभ्याख्यान। कलंक लगाना, अभ्याख्यान यानी कलंक लगाना। हम उठाते हैं जीभ, लगाते हैं तालू को। उन संप्रदाय में तो कई ढंग नहीं है। किसी संप्रदाय को कलंकित करने का हमें क्या अधिकार है? किसी धर्म को बुरा कहने का हमें क्या अधिकार है? आप अपना धर्म करो। औरों को नाम रखने की आदत कभी नहीं चाहिए। ये मंदिर वाले ऐसे हैं, ये तेरापंथी ऐसे हैं, ये हिंदू धर्म वाले ऐसे हैं, मुस्लिम धर्म वाले ऐसे हैं। भगवान ने कहा उनकी जगह वो बराबर है, उनको वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला इसके लिए वो वैसे है, तुमको ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला इसलिए तुम ऐसे हो। किसी को नाम रखना नहीं, किसी को कलंक लगाना नहीं। तो थोड़ा कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लग जाता है और तो थोड़ा सा मंत्र वंत्र करने लग जाते हैं तो आप लगे एकदम बात करते हो, आ तो बारलो करें। अब क्या आपको पता है क्या बारलो करे कहीं? और इसको इस तरह से किसी को बदनाम कर देना बड़ा आसान है, पर सामने वाले को बदनामी झेलना कितना मुश्किल जाता है। इसने उसको कहा, उसने उसको कहा, करते करते बात फैल गई और ये बहन बाहर का करती है, ये बहन बाहर का करती है, उसको बिचारी को जीना मुश्किल हो जाता है, उसके बच्चों की सगाई सगपन होना मुश्किल हो जाता है। अरे माना गांव में तो वह बारलो करण वाली है। इस तरह से भगवानों किसी को कलंक मत दो, किसी को दोष मत दो। कोई दो लड़के ठीक है, आजकल गड़बड़ गोंधड़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। लड़कियाँ मुँह को कपड़ा बांध देती है और किसी के भी साथ घूमती है और आगे चल कर एक दिन माँ बाप को समाचार मिल जाते हैं कि मैं ब्याह कर लियो। अब ब्याह कर लिया पचे कई करो, ब्याह कर लिया पचे कई करो। इस तरह से बहुत गड़बड़ियाँ हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जीभ बंदी करें। हो सकता है मामा भुआ के भाई बहनों और दोनों रास्ते से चल रहे हो, आपको पता नहीं हो उसका मामा का लड़का कौन आया था उसके घर में मेहमान, आपने तो कह दिया उन छोरा साथ देखती देखी मैं उन्हें, अरे उस छोरा के साथ देखी, बोलो छोरा कौन था ये तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें कलंक देने का कोई अधिकार है नहीं भगवानों। कलंक देना बड़ा आसान है, पर कलंक के कारण से दर्शन मोहनीय कर्म का बंद होता है। आत्मा के दर्शन ऐसे लोगों को हो नहीं सकते, आत्मा का अनुभव हो नहीं सकता, आत्मा की बातें उनको अच्छी नहीं लगती और वे हमें हमेशा अपने आप को संसार में उलझे उलझे महसूस करते हैं। ना संसार में मन लगता है, ना आत्मा में मन लगता है, ना धर्म अच्छा लगता है, ना घर में जाके कुछ अच्छा लगता है। ऐसे चारों तरफ से आदमी क्या हो जाता है, कंफ्यूज कंफ्यूज और कंफ्यूज हो जाता है। भगवानों हम क्या करते हैं, बाकी तो साधु सतिया कोई बच्ची नहीं, उन सबका नंबर आया, अभी तो गा लिया आपने, पर अपने यहाँ सच्चे किससे बने हुए हैं? बात ये है, पहले हमारी यहाँ परंपरा थी साधु संत विहार करे अपने गांव से कि अगले गांव को समाचार पहुँचा देते थे कि हमारे गांव से 5 संतों ने विहार किया है, 5 संतों ने विहार किया है, तो अगले गांव वाले लोग अपने समाज में चारों तरफ समाचार दे देते कि मार साहब आवन वाला है, इन गांव सुमार साहब पधारन वाला है। सारे गांव के लोग गांव से बाहर गए मारा साहब को लेने के लिए। मार साहब को लेने के लिए गए और कितनी देर हो गई तो मार साहब आते ही नज़र नहीं आए। उन्होंने विहार कर दिया, ऐसे समाचार आए अब तक मार साहब नहीं आए। तो बैलगाड़ी वाला आ रहा था, बैलगाड़ी वाला आ रहा था, बैलगाड़ी वालों को पूछा, अरे भाई आमच्या सारखे असे तोंडाला बांधलेले तुम्हाला कोणी दिसले का येताना? म्हणजे नदीत पाणी पीत होते का? सांगितलं नदीत पाणी पीत होते ते, आता झालं का?
नदत नदीत पाणी, तुमचे महाराजांनी नदीत पाणी पिणार, नळाखाली पाणी पिणार? अरे ते महाराज कसे, आपण महाराजसाहेबांना कसं म्हणतो? आपण आपल्या इथं पाणी करून ठेवतो, त्यांना पाणी देतो, आणि नदीचं पाणी आमचे महाराज? अरे आपसात लगेच इशारे झाले डोळ्यांचे, डोळ्यांचे इशारे झाले, आणि सगळ्यांचे ईसा महाराजसाहेबने आपल्यांके लावण जावनोने सगळे आपल्या आपल्या घरी निघून गेले, सगळे घरी निघून गेले बिचारे महाराजसाहेब आले गावात। हे गाव तर आपलं गाव आहे, आपली लोक इथं कोणीच घ्यायला कसा आला नाही, कोणीच समोर कसा दिसत नाही। गावात आले, गावात येऊन थेट दुकानामध्ये सगळे लोक त्यांचे बसलेले, पण एकही उठला नाही, समोर गेला नाही, पधारो आओ कैच कयो नाही। महाराजसाहेब थानक में गए, जाके बैठे, कोई वहाँ एक बच्चा भी नहीं आया। महाराजसाहेब ने पानी का पात्रा उठाया और पानी लेने के लिए जो संघपति थे उनके घर पे गए। कहने लगे, सेठ साहब हम तो यहाँ से विहार कर रहे हैं, पानी लेंगे आपके यहाँ से और यहाँ से विहार करेंगे। क्यों महाराजसाहेब, यहाँ क्यों नहीं रुक रहे? जब आपके मन में कुछ काला आ गया है, हमको देखकर पता नहीं आपके मन में क्या बात आ गई है, जो पूरा गांव हमें ना लेने को आया, ना आओ पधारो किसी ने कहा, सब अपने अपने दुकान में बैठे रहे, दुकान से बाहर भी उतर के नहीं आए, ऐसी क्या बात हो गई? महाराज साहब आपने नदी में पानी पिया ना, नदी में पानी पिया हमने, आपकी नदी को पानी तो भी है क्या? जाके देखो, इतनी गर्मी के दिन चल रहे हैं, नदी पूरी सूखी हुई है, हमने अपने साथ पानी लाया हुआ था और आड़ू सा देखकर नदी का पात्र अच्छा लगा हमको, तो रेती रेती थी, वहाँ पानी का एक बूंद भी नहीं था, हमारे साथ में लाया हुआ पानी हमने वहाँ बैठ कर के पिया। तो गाड़ी वाले ने क्या कह दिया, नदीत पाणी पीत होते, झाला का अर्थाचा अनर्थ भागवताच्या चिंध्या। तो इस प्रकार कहने में, आँखों से देखने में, सुनने में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे ज्ञानियों ने हमको कहा है, कलंक किसी को मत देना। कभी कभी आँखों देखी बातें भी झूठी हो जाती है। एक बेटा अपनी माँ को अपनी गोद में सुलाकर दवा पिलाता है और देखने वाले समझते हैं कोई कोनी बाइला तो दारू पाजत होता। अब वो अपनी माँ को क्या कर रहा है, जबरदस्ती दवा पिला रहा है। आपने देख लिया और आपने कह दिया, तो एक अबाइला तो काय करित होता, दारू पाजत होता। तीस प्रकार हम देखी हुई बात और सुनी हुई बात भी झूठी हो सकती है। इसके लिए हमें किसी को कलंक देना नहीं, किसी धर्म को नहीं, किसी संप्रदाय को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी समाज को नहीं। भगवान महावीर ने अनेकांतवाद कहा है, अनेकांतवाद जो उसकी दृष्टि से वो बराबर है, हमारी दृष्टि से हम बराबर है, हमारे संस्कारों की अपेक्षा हम बराबर है, उनके संस्कारों की अपेक्षा वो बराबर है। हमको किसी को गलत कहने की आदत नहीं होनी चाहिए। भगवानों हमारा ये पर्युषण पर्व कौन सा पर्व है, एनलाइटन करने वाला पर्व है, एन्जॉयमेंट करने वाला पर्व है नहीं। और दूसरी बात, ये प्रयोग पर्व है। हमारे हसमुख मुनि जी महाराज साहब अनकाई में विराज रहे थे, उन्होंने करीब 1978 में वे वहाँ पे गए थे और पिछले साल उनका स्वर्गवास हुआ। इतने साल वे अनकाई में विराज रहे थे, लगातार ध्यान की साधना उन्होंने करी थी, आर पार उनको दिखने लग गया था और बहुत ज़्यादा वे एनलाइटन हो ही गए थे। ऐसे में उनके यहाँ साध्विया विहार करके आई और उनको दिखा, एक सन्मति जी महाराज साहब थे, बहुत खूबसूरत साध्वी थी वो, बहुत खूबसूरत, बड़ी बड़ी आँखें, गोरापान रंग और इतने सुंदर साध्वी जी, सन्मति जी। और महाराज साहब को दिखा कि इसके शरीर में कोई बीमारी है, इसके शरीर में कोई बीमारी है। उन्होंने कहा, सती जी तुमको जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया, पहले दिन उनको कहा कल तुमको उपवास करना है, उपवास का पारणा किया, कठिन ही गया उपवास, फिर भी पारणा किया, फिर कहा बेला करो, बेला का पारणा किया, फिर कहते अब तेला करो।
और इस तरह से 28 तक चढ़ाने का उनका संकल्प था। उनको बीच में उल्टियाँ होने लग गई, इतनी परेशानी होने लग गई, इतना ज़्यादा उनको लूज मोशन होने लग गए, महाराज साहब अब मेरे बाप से भी तपस्या नहीं होती, मेरे से तपस्या मत कराओ, नहीं तुमको करनी ही पड़ेगी। एक तरह तपस्या कराते, दूसरी तरफ लूज मोशन इतने हो जाते, इतनी उल्टियाँ हो जाती, और फिर चोला, फिर पचोला, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, आठ तक चढ़ाया उनको, और ऐसा अंतर बाहर से उनको ऐसा स्वच्छ कर दिया, चारों तरफ से पूरी गंदगी शरीर की निकल गई। और जब पारने की साता उनको हुई, तब हसमुख मुनि जी महाराज साहब ने सन्मति जी को कहा, तुम्हारे शरीर में कैंसर ने घर कर दिया था, कैंसर तुम्हारे शरीर में हो गया था, और वो कैंसर आगे नहीं बढ़े, इसके लिए तुमसे मैंने सिद्धि तप करवाया है। क्या करवाया है? सिद्धि तप, उपवास पारणा, बेला पारणा, तेला पारणा, चोला पारणा, पाँच पारणा, छः पारणा, सात पारणा और आठ अठाई करके पारणा, उसको सिद्धि तप कहते हैं। सिद्धि तप उनसे करवाया और उनकी रोग की जड़ ही शरीर में से निकाल दी, वे एकदम स्वस्थ हो गई, व्यवस्थित हो गई। उनको कहा, अगर ये तपश्चर्या नहीं करते तो वो कैंसर धीरे धीरे बढ़ता जाता और न जाने तुमको कितनी परेशानी होती, पहले मैंने तुमको बताया नहीं, अब तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे शरीर में कैंसर था और वो कैंसर धो धा के तुम्हारे शरीर का साफ हो गया है। भगवानों, हमारा ये पर्व प्रयोग पर्व है, कहते प्रयोग करके देखो, उपवास करके देखो, हो सके तो बेला करो, हो सके तो तेला करो, तेला करने से ज़्यादा फायदा, पर ध्यान रखो, तपश्चर्या करके अहंकार आता हो तो तपश्चर्या मत करना, तपश्चर्या करके गुस्से में आता हो, था नहीं समझे गई मैंने तेलो है बार ध्यान नहीं रखियो, गए काम से, फिर क्या फ़ायदा, उसका फ़ायदा नहीं होता। सामायिक करके गुस्सा किया, सामायिक करके अहंकार किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अंदर में कषाय भी नहीं जागे, अंदर में अहंकार भी नहीं आवे और अंदर में समता टिकी रहे, ऐसी तपश्चर्या हमारे द्वारा होती हो, जिनसे भी संभव है वे तेला करके पारणा कर सकते हैं और वापिस दूसरा तेला, दो पारणे आकर के फिर दूसरा तेला भी कर सकते हैं, जिनकी तबीयत अच्छी है, जिनको बीपी का कष्ट नहीं है, जिनको शुगर नहीं है, जिनको हार्ट की बीमारी नहीं है, ऐसे ही लोग तपस्या करें, फालतू की जुगाड़ ना खेले अपने साथ, तपस्या कहीं नहीं शरीर हुनो जुको हुई, ऐसा नहीं, शरीर को संभालो, शरीर को संभालते हुए शरीर स्वस्थ है तो तपस्या करने का ध्यान रखो। भगवानों, ये प्रतिष्ठा देखो हमारे पर्युषण पर्व की, इज्जत इतनी है उसकी, खाली आए है तो लोगों की उपस्थिति में कितना बड़ा फर्क पड़ गया है। इस तरह से भगवानों, ये प्रतिष्ठित पर्व, हमारे प्रतिष्ठित आचार्य भगवान थे, उन्होंने इस आनंद धाम का निमित्त वो बने हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो थे एकदम सीधे साधे पाटे पे विराज रहे थे, विराजते थे, लोगों को दर्शन देते थे, उनके अस्तित्व को इतनी कीमत आई थी, इतनी प्रतिष्ठा आई थी उनके पास, चल चल के आई थी, सारे इंडिया के साधु संत कहते कि आनंद ऋषि जी को युवाचार्य बनाओ, आनंद ऋषि जी को उपाचार्य बनाओ, आनंद ऋषि जी को आचार्य बनाओ, उन्होंने कभी अपने मुँह से कोई प्रयत्न किया, खाली अपनी प्रतिष्ठा उन्होंने संभाली, अपना संयम उन्होंने संभाला, अपना धर्म उन्होंने संभाला और अपनी मर्यादा में जिंदगी तक रहे। 92 ईयर्स ओल्ड, 92 साल के वो हो गए थे, पर उन्होंने कभी धर्म में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी मर्यादा में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते गए और आज उनके नाम से लोग लाखों नहीं करोड़ों का दान दे रहे हैं। पूना जैसे में 35 करोड़ इकट्ठे हो गए, गुरुदेवरा नाऊ 5 करोड़ मारा, गुरुदेवरा नाऊ 5 करोड़ माना, लोग अपनी प्रॉपर्टियाँ गुरुदेव के नाम से लिख देते हैं दवा खाने के लिए, अपने हमारी सारी प्रॉपर्टी हम है तब तक,
हमारी और उसके बाद गुरुदेव के नाम पे। इस तरह से भागवानों, ऐसी प्रतिष्ठा गुरुदेव की थी, ऐसी प्रतिष्ठा हमारे पर्युषण पर्व की है। भागवानों, ये प्रतिष्ठित धर्म है, इज्जत वालों का धर्म है, मर्यादा वालों का धर्म है, और इसकी अपनी एक आन बान और शान है। सारे दुनिया के बाजारों में जाहिर है जैन थाली। जैन थाली कही कि वहाँ पर शुद्ध शाकाहारी तो होगा ही, वो थाली शुद्ध शाकाहारी तो होगी, पर वहाँ आलू प्याज लहसुन भी नहीं चलेगा। इस तरह से जैन थाली की अपनी एक प्रतिष्ठा है। हमारे इतने बड़े प्रधानमंत्री, उन्होंने भी अपनी तरफ से सद्भावना प्रेषित की है पर्युषण पर्व के लिए। वो जानते हैं कि जैनियों का धर्म अपने आप में बहुत ऊँचा धर्म है, बहुत सच्चा धर्म है और बहुत अच्छा धर्म है। बड़ी इज्जत करते हैं वे जैन धर्म की। भगवानों, हमें भी अपने पर्युषण पर्व की इज्जत करनी है, मर्यादा रखनी है, और इन 8 दिनों में हम द्रव्य की मर्यादा करेंगे, क्षेत्र की मर्यादा करेंगे, काल की मर्यादा करेंगे और भाव की मर्यादा करेंगे। 8 दिन जितनी वस्तु आवश्यक है उतनी की छूट रखकर बाकी सबका त्याग। 8 दिन तक इतने द्रव्य खाऊंगा, इसके आगे उस सभी बातों का त्याग। इस तरह से कपड़ों की मर्यादा, खाने पीने की मर्यादा, उपयोग में लाने वाली उपभोग परिभोग परिमाण व्रत हमारा आलोयना में आने वाला है। उपभोग और परिभोग दोनों का परिमाण करना 8 दिन के लिए बहुत जरूरी है। सभी लोग अपने पर्व पर्युषण पर्व की इज्जत को ध्यान में रखकर अपनी मर्यादा को व्यवस्थित संभालेंगे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ।